हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल। और आज आया है धमाल शेपर्स एडुकेशन की चैनल पे हम आपका फेवरेट टॉपिक लेके आए हैं, जो बोर्ड्स वाले बच्चे बड़े टाइम से इंतजार कर रहे हैं। सर हमें इंपॉर्टेंस दीजिए 2024 के बोर्ड एग्जाम्स के। सो बच्चा लोग, आज ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपके लिए है। ये पूरा पीडीएफ आपके लिए फ्री है। ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप मुझसे चाहे तो इंस्टाग्राम पे ले सकते हैं। आपको इतना सा काम करना है यार, अपने भाई को फॉलो करना, तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। अब कोई माने के नहीं माने, मेहनत तो मैं कर रहा हूं, किसी तक मेरी मेहनत पहुंच रही है। कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, बुराई करने वाले बुराई भी करेंगे, उनका भी जरूरत है भैया, समाज में सबकी जरूरत होती है। वो मोटिवेट करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमें काम करने के लिए। तो अगर आप में से, हमने इससे पहले वीडियो बनाया था ओसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए आप आराम से आके मुझसे इंस्टाग्राम पे मांग सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ पहुंचा दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो और भी हम जरिए ढूंढ रहे हैं, हमारा गूगल ड्राइव थोड़ा चल नहीं रहा था, बट वो भी हम आपके लिए सेट कर रहे हैं। और ये भी पीडीएफ मैं आपको फ्री में पहुंचाऊंगा। आप चाहो तो शेपर्स एडुकेशन के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा फ्री अवेलेबल रहेगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के 5 मार्क के क्वेश्चन का। अब जैसे कि पीडीएफ, इस पीडीएफ में हमने बहुत सारे एक्सटेंसिव क्वेश्चन कवर किए हैं, बट मैं आपको पूरी पीडीएफ नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको इस पीडीएफ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है, जबकि आपके पढ़ने के लिए मैंने पीडीएफ पूरी बना दी है। 5 मार्क के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, बट आपको पढ़ना सारा नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट पढ़ना है तो मैं आपको बताऊंगा, बट अगर आप एक रैंकर है, आप एक टॉपर है, आप चाहते हैं कि आपके 95% आए, तो भैया इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मत देखना, सब कुछ पढ़ना। बट अगर आप चाहते कि सर 70-75 की लड़ाई चल रही है, पहले वो थोड़ी पार कर दे, तो शेपर्स एडुकेशन और आपका भाई आपके लिए लेके आया है एक बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ 2023-24 सेशन। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी कहिए कि शेपर्स एडुकेशन के चैनल को फॉलो करें। और साथ ही में आप तो भैया पढ़ते रहो, मजे करते रहो। चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारे सबसे पहले चैप्टर में से, जिसमें से 5 मार्क के आंसर्स हर साल आते हैं, जिस चैप्टर का नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन। मनी एंड इन्फ्लेशन में वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, आखिर तक मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। इस पीडीएफ में मैंने मैक्सिमम ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए हैं, बट हम पढ़ेंगे कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही। जैसे कि सबसे पहला हो गया डिफाइन बार्टर सिस्टम एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। ये क्वेश्चन ईजी है, एग्जाम की व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, बट 2 मार्क्स से ज्यादा में ये नहीं आता। आई डोंट थिंक ये 5 मार्क में आना चाहिए, क्योंकि टॉपिक बड़ा ही सिंपल है, तो ये 2 से 3 मार्क में आएगा। फिर भी आए तो आप मन से लिख सकते हो, टॉपिक बहुत इजी क्वेश्चन है ये, राइट। सो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, बट जैसे कि मैंने कहा था मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कराऊंगा। सो इंपॉर्टेंट में सबसे पहला आता है डिफाइन इन्फ्लेशन एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। गाइस, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए भैया इसको पढ़ लेते हैं कि इन्फ्लेशन किन रीजन से आता है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो सकते हैं। सो सबसे पहला, इन्फ्लेशन आता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। जब कभी भी डिमांड बढ़ती है तब इन्फ्लेशन आता ही आता है। डिमांड क्यों बढ़ेगी भैया? जब पैसा लोगों के पास ज्यादा होगा तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड। सेकेंड रीजन, जब सरकार ज्यादा खर्चा कर रही है, जिसे कहा जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो जब हमारी सरकार हम पे ज्यादा खर्चा करती है तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आता है, और जब आपके हाथ में पैसा ज्यादा आता है तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा खर्चा करते हैं और मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड बढ़ने के 2 मेजर कारण तो ये होते हैं कि भैया मनी सप्लाई बढ़ रहा है, और मनी सप्लाई क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सरकार खूब खर्चा कर रही है। सरकार खर्चा कर रही है इसका मतलब सरकार रोड्स बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, रेलवेज बना रही है, फ्लाईओवर्स बना रही है, और उसके कारण आपको खूब पैसा मिल रहा है, और ये पैसा आपकी जेब में आ रहा है, जिससे आप जाके खूब उड़ा रहे हो, गाड़ियां खरीद रहे हो, बंगले खरीद रहे हो, और तुम्हारे कारण ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तीसरा कारण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, एंड दैट इज ओवर पॉपुलेशन। हमारे देश में इतनी डिमांड क्यों है? क्योंकि भैया 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, डिमांड तो होनी होनी है। 150 करोड़ पीपल लिव इन अ स्मॉल कंट्री लाइक इंडिया। आप अगर कंपेयर करो तो कनाडा में हमारे से 2% आबादी भी नहीं है, 2-3% आबादी में इंडिया से, इंडिया की कनाडा में सिर्फ 3%, वो भी शायद ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको, 4-4.5 करोड़ के आंकड़े के अंदर ही है कनाडा की पॉपुलेशन। तो कॉमन सेंस है कि वहां पे डिमांड हमसे कई गुना ज्यादा कम होगा, इंडिया में डिमांड कई गुना ज्यादा रहेगी, राइट। सो ओवर पॉपुलेशन इज द रीजन कि हमारे यहाँ पे इतनी आबादी, हमारे यहाँ पे इतने लोग हैं कि ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे डिमांड खूब सारी रहती है। दीज आर द 3 रीजंस।
सेकेंड आ गया इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो बच्चा लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब जब बढ़ता है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब बढ़ता है? देखो सिंपल सी बात होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चार फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट। अब ये चारों में से कोई भी फैक्टर अगर बोलेगा कि नहीं भैया लेबर ने कहा कि बहुत दिन से पगार नहीं बढ़ी, हमारी पगार बढ़ाओ, तो जब हम लेबर की पगार बढ़ाएंगे तो फाइनल कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आने लग जाता है। तो जब कभी भी कोई भी एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा होता है इन्फ्लेशन आने लग जाता है। और भी छोटे मोटे रीजंस होते हैं, जैसे कि सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी नहीं आ जाती इन्फ्लेशन आ जाता है, सरकार ने इंपोर्ट प्राइसेस को बढ़ा दिया इन्फ्लेशन आ जाता है, कहीं किसी चीज की स्कैर्सिटी हो जाती है इन्फ्लेशन आ जाता है। सो दीज आर अदर रीजंस व्हाई इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क या 3 मार्क किसी में भी फूट सकता है। इसके बाद मैं आपसे एक वादा और करूंगा, मैं एक वीडियो और लाने वाला हूं जिसमें मैं ओसी और इकोनॉमिक्स के 3-3 मार्क के और 2-2 मार्क के क्वेश्चंस के लिए भी आपको एक अच्छी सी पीडीएफ बना के दूंगा, तुमको खूब मजा आएगा, ट्रस्ट में बहुत इंजॉय करोगे आप लोग। चलिए इसके बाद में आता फंक्शंस ऑफ मनी, इजी क्वेश्चन है, वैसे एग्जाम में पूछते 2-2 मार्क में, बट आपके लिए बहुत इजी है, बहुत बार पढ़ चुकी है टॉपिक, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम ऑन दिस पर्टिकुलरली। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 5th पे, चैप्टर 5th का नाम है पॉवर्टी। एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर है, कुछ मेजर करना नहीं है, बहुत शानदार सा सिंपल सा चैप्टर है पॉवर्टी में। डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना, इंडिकेटर्स वगैरह पढ़ लेना, मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ लेना, एग्जाम में पूछते हैं कभी कभार किसी ना किसी तरीके से। चलिए इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पॉवर्टी के अंदर वो टॉपिक रहेंगे ये, देखो 10 पॉइंट या 10-11 पॉइंट आपको सारे करने की जरूरत नहीं, बट थोड़े बहुत कर लेना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डिस्कस द मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। ये बहुत 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 बार पूछा गया है एंड मेरे नजरिए से भी एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे जिससे आप देश की पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, देश में से गरीबी को कम कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या मेजर्स ले सकते हैं? सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला, सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टेप्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले भैया एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करो। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे देश में आज भी ज्यादातर गरीबी रूरल एरियाज में है, गांवों में है, और आज भी गांव में बहुत सारे लोग खेती पर डिपेंडेंट है, वो आज भी खेती ही कर रहे हैं। तो जब सारे के सारे लोग खेती कर रहे हैं, सारे लोग आज भी खेती में डिपेंडेंट है, तो क्यों ना खेती को इंप्रूव किया जाए। अगर एग्रीकल्चर इंप्रूव हो जाएगा तो वहां काम करने वाले सारे किसान गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे, पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाएंगे, और उनके पास भी अच्छा पैसा बनने लग जाएगा, तो शायद हमारे देश में गरीबी कम हो सकती है। सो ये पहला मेजर हो गया। दूसरा मेजर, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली वो इंडस्ट्रीज होती है जो बहुत छोटे लेवल पे काम करती है, जहां पे मशीन्स कम होते हैं, लेबर्स ज्यादा होते हैं, इसलिए उन्हें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कहा जाता है। सो अगर आपने ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, ये बेसिकली छोटे छोटे गांव के अंदर या मिड टायर सिटीज के अंदर होती है, तो ऐसे पर्टिकुलर जगहों पे वो ये बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, क्योंकि इनको लेबर खूब चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली अपने गांव में या अपने आसपास वाले गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, नौकरी देती है, जिसके कारण उनको भी पैसा कमाने को मिलता है, जिसके कारण गरीबी कम हो सकती है। तीसरा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डेवलप करने दीजिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो छोटे मोटे लेवल पे काम करते हैं। हम कितनी बार शहरों में सोचते हैं कि यार क्या सरकार ध्यान नहीं देती है, फुटपाथ पे लारी वाला लगा हुआ है या ठेले लगाने देती है, फॉरेन में तो ऐसा होता नहीं है। सर फॉरेन और इंडिया में बहुत फर्क है, फॉरेन की जो आबादी है वो इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए वो आराम से ठाट बाट से अपने जनता को रख सकते हैं, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक फुटपाथ पे बैठे हुए आदमी को सरकार बैठने दे रही है, इसलिए वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, इसलिए वो अपने अपने पूरे परिवार को पाल रहा है, उसके पास पैसा नहीं है कि वो आपके लिए हाईफाई दुकानें कर ले। दूसरा, अगर वो सब हाईफाई दुकानें कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन फट जाएगा। हम कितनी बार सोचते हैं सब ये फ्रूट वाले सब्जी वाले लारी पे सब्जी क्यों बेचते हैं, भैया जिस दिन उन्होंने दुकान कर ली तो वो दुकान का भाड़ा भी तुम्हारी सब्जियों में ऐड कर देंगे, आपकी सब्जियां महंगी हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए, ये जरूरी है कि छोटे मोटे ठेले वाले चलते रहे। मैं ये नहीं चाहता गरीबी रहे, नहीं मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं जब तक कि सरकार इनके लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पा रही है या सरकार के पास और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के साधन नहीं हो रहे हैं, तब तक सरकार को ऐसे छोटे मोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी चलने देना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं नहीं करते करते लाखों करोड़ों लोगों का घर पालते हैं। नेक्स्ट वन, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसीज।
ये बहुत जरूरी है। सरकार को टैक्स पॉलिसीज ऐसे बनानी चाहिए जिससे कि हर आदमी के बिजनेस में तरक्की हो, ना कि बिजनेस नीचे जाए। तो ये टैक्स पॉलिसीज बनाते टाइम गवर्नमेंट को बहुत समझदारी दिखानी पड़ती है। नेक्स्ट, राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये बहुत जरूरी है। हमारे देश में 150 करोड़ की आबादी है। अब इस 150 करोड़ की आबादी को ह्यूमन कहा जाता है, बट इस ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल तक लाने के लिए सरकार को इस पर खर्चा करना पड़ता है। देखिए बच्चा लोग, आज आप लोग भी सब छोटे छोटे बच्चे हैं, राइट? आप लोग फिलहाल एक ह्यूमन है। अब आपको ह्यूमन कैपिटल में करने के लिए आपके माँ बाप आप पे खर्चा कर रहे हैं, हेल्थ का खर्चा कर रहे हैं, एडुकेशन का खर्चा कर रहे हैं, खान पान का खर्चा कर रहे हैं, आपको अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है, अच्छी सुविधाएं दी जा रही है, जिससे कि आप एक ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बन सके। तो ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए सरकार को भी हम पे खर्चा करना पड़ता है, हमारे लिए अच्छी सुविधाएं बनानी पड़ती है। तो अगर ये खर्चा अगर सरकार कर पाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी आबादी में से भी गरीबी कम होते होते लोग ऊपर आने लग जाएंगे। नेक्स्ट, गुड्स और सर्विसेज को रीजनेबल रेट में प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी भी हमारी कंट्री में सारी जनता इतनी स्मार्ट और इतने पैसे वाली नहीं है कि वो हर तरीके के खर्चे अफोर्ड कर सके। तो जो लोग गरीब है, नो डाउट गरीबी बहुत कम हुई है। जब हम पढ़ते थे तब गरीबी 40% 35% हम पढ़ते थे, आज देखा जाए तो 10-12-15% गरीबी बची है। बट तो भी उन 15% लोगों के लिए भी सरकार को रीजनेबल रेट में गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। सरकार को कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करने पड़ेंगे। ये एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बेसिकली सरकार करती है जिससे कि ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे जो लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा उनको सरकार काम दे सकती है। सरकार काम कैसे देती है? सरकार अपनी योजनाएं चालू करती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चालू करती है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चालू करती है। इन प्रोग्राम के तहत इन लोगों को बुलाया जाता है और इन लोगों को काम दिया जाता है। अब इनको काम के सामने इनको बेसिक वेज रेट मिलती है। मैं ये नहीं कहूंगा कोई हाई तौबा कमाई होती है, नहीं, एक बेसिक वेज रेट मिलती है कि इनके घर तक खाना पहुंच पाए, भूखे ना सोए, इतनी व्यवस्था सरकार इनके लिए करती है। नेक्स्ट वन, हाउसिंग स्कीम्स। इसके बाद में हमें सरकार की हाउसिंग स्कीम्स को देखना पड़ेगा, सरकार क्या क्या हाउसिंग स्कीम्स कर रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सरकार हर साल आवास योजना के तहत, अभी हम लोग देखते हैं हमारे शहरों में कई जगह झोपड़पट्टी को हटा हटा के आवास योजना के तहत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, जिससे कि जो लोग आज तक झोपड़पट्टी में रह रहे हैं उनको अच्छे घर मिले, पक्के घर मिले। तो ये सब सुविधाएं अगर मिलेगी तो अपने आप एक गरीब आदमी थोड़ा ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता रहेगा। इसके बाद में आता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी कि मेडिक्लेम्स, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस। ये भी हमारी सरकार दे रही है, कोशिश कर रही है, माँ कार्ड के तहत या बीमा योजना के तहत ऐसे कई सारी स्कीम्स निकाली जा रही है जिससे गरीब से गरीब आदमी को 4-5 लाख तक का इंश्योरेंस और मेडिक्लेम मिल सके। तो ये सारी स्कीम्स अगर निकलेगी तो ऑटोमेटिकली एक आदमी अपने गरीबी रेखा से ऊपर आ पाएगा। और आखिरी आता है जनधन योजना। ये योजना सरकार की सुपर हिट योजना रही है। इस योजना के तहत करोड़ों अकाउंट खुले हैं। अब एग्जैक्ट आंकड़ा 50 करोड़ 60 करोड़ के ऊपर का है, तो एग्जैक्ट मैं आपको नंबर्स नहीं दे सकता, बट 100% करोड़ों अकाउंट खुले हैं। ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी बैंक के दर्शन नहीं किए थे, जिनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं होता था, इस योजना के तहत सरकार ने जनधन खाते खुलवा खुलवा के हर किसी के घर तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाई है। तो ये योजना भी सरकार की सुपर डुपर हिट योजना रही है। और ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बच्चा लोग, अभी भी बता रहा हूं, प्लीज इस क्वेश्चन को सीरियसली वापस से पढ़िएगा, ये पीडीएफ में आप तक पहुंचाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब ये सब कॉजेज भी इंपॉर्टेंट है वैसे, बट ऊपर वाला आंसर सुपर इंपॉर्टेंट था, राइट? इसको हल्के में मत लेना, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है। सो इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी क्यों होती है भैया? सिंपल सिंपल है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना, तो भी आप मन से लिख लोगे, चलेगा, हेडिंग्स याद कर लेना। सबसे पहला भैया, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर थोड़ा खराब है, खेती में आज भी पॉवर्टी बहुत है, खेती के आज भी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। दूसरा, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही अनइक्वल है, जमींदारों के पास खूब जमीन है, गरीब किसान के पास जमीनें कम है, इसके कारण भी हमारे देश में गरीबी है। सेकंड, मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। आज भी स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज का इतना खास डेवलपमेंट हमारे देश में नहीं है, जिसके कारण हमारा देश कई बार पीछे रह जाता है। नेक्स्ट, रैपिड इंक्रीजेस इन प्राइस, महंगाई खूब बढ़ रही है। अब देखो यार, 8-10% महंगाई हर साल बढ़ती है, आपके और हमारे घर में तकलीफ नहीं आती है, हमको माँ बाप अच्छा पैसा कमा के हम तक पहुंचा रहे हैं, बट ऐसे आज भी लोग हैं जिनके माँ बाप की कमाई 10% हर साल नहीं बढ़ पाती। महंगाई 8-10% बढ़ रही है, हमारी कमाई अगर 10% नहीं बढ़ेगी तो हम भी धीरे धीरे न चाहते हुए भी गरीबी रेखा के पास जाते जा रहे हैं। सो ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट इज हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत बड़ा मुद्दा है यार। हमारे देश की आबादी हर साल 2% से ग्रो होती है। अब अगर 150 करोड़ का 2% निकालो तो 3 करोड़ होता है, मतलब हर साल 3 करोड़ लोग हमारे देश में पैदा हो रहे हैं।
जबकि इंप्लॉयमेंट मुश्किल से 70-80 लाख लोगों को मिलता है। तो हर साल 2-2.25 करोड़ लोगों के लिए हमारे देश में कोई जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहा है। एंड जेन्युइनली इसे आप सरकार की गलती माने या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की गलती माने, बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि इतने सारे लोगों को पैदा होने के बावजूद सरकार इन सब के लिए काम क्रिएट नहीं कर पा रही है। इसमें गलती सरकार की भी है, कुछ गलती हमारी भी है। हम कभी इतने अच्छे से मेहनत नहीं करते कि हम खुद को खुद एम्प्लॉयमेंट दे सके, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले सके। अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर हम एडुकेटेड हैं, हमारे पास सारी तालीम है, हमारे पास सारी स्किल्स है, तो ऑटोमेटिकली हम खुद का पेट तो भर सकते हैं। आज अगर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट टूडे, सो मेरे परिवार को इतना पता है कि आदमी भूखा तो नहीं मरेगा, ये कुछ ना कुछ कमा के खा लेगा। मैं ऑफलाइन ट्यूशंस पढ़ा के भी मेरा घर चला रहा हूँ, आगे जाके ऑनलाइन ट्यूशंस पढ़ा रहा हूँ, अभी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है थोड़े दिन में लाइव लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा मैं, तो मैं मेरा घर पाल सकता हूँ बिकॉज आई एम स्किलफुल, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो इसलिए हम हर बार कहे कि गवर्नमेंट की गलती, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। सरकार की तो है, वो तो 100% है, बट हमारी भी गलती है कि हम खुद के लिए इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं कि हम इस अनएम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड से दूर रहे। भैया ये हमारे पास आना ही नहीं चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द इकोनॉमिक रीजंस। इसके बाद में आने वाला है चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर नंबर 7 के बाद में 2 चैप्टर्स और बचे हैं, ये आगे का टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी मैं चाहूंगा कि जितना मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया उन टॉपिक को अच्छे से वापस से पढ़ लो। इसके बाद के लिए एक सेकंड वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं चैप्टर नंबर 5 के बाकी दोनों तीनों चैप्टर्स कवर करूंगा, मतलब 5 मार्क के आंसर्स के बाकी दोनों चैप्टर्स कवर करूंगा, और आपको सेकंड वीडियो में 5 मार्क के आंसर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं खत्म कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखते रहिए, जय श्री राम।